Hello guys, this is Palguna. Welcome back to Blogs by RG. So this is our last video of IELTS series, obviously the writing section. So task 1 and task 2 दो parts होते हैं writing के, ठीक है? Task 1 के अंदर आपको कोई भी एक जो भी आपको एक picture, bar graph, line graph, pie chart जो भी आपको given होगा उसको अपने सिर्फ explain करना है accordingly एक pattern के अंदर, okay? But the main thing is of part टू, मतलब टास्क टू, जहाँ आपको एक ऐसे दिया जाता है उस पर आपने जो भी आर्ग्यूमेंट होती है, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, वो आपको करनी होती है. वो आपको एक पर्टिकुलर वे सीखना पड़ता है कि इसको कैसे करा जाए अकॉर्डिंग. ये ध्यान में रखते हो कि आपको एक पर्टिकुलर बैंड स्कोर जो भी है आपका उसको अचीव करना है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड आई गेस. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो बहुत सारे बच्चे करते हैं एंड मेरी जो थिंकिंग है कि वो गलत करते हैं, क्योंकि वो पूरा पूरा ना ऐसे ही याद कर लेते हैं. एंड इवन दो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टास्क वन भी याद कर लेते हैं पूरा पूरा कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या क्या पॉइंट इसके अंदर ऐड होने चाहिए. ठीक है, उसका एक तरीका होता है, वे ऑफ राइटिंग होता है जो आपको लर्न करना होता है, जो आपको काइंड ऑफ रट्टा ही मारना होता है. बट द थिंग इज कि पूरा पूरा ऐसे मत रटो, इतना टाइम मत वेस्ट करो वहाँ पर. बस उसका एक सिस्टम सा सीखो कि इसको कैसे 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 मैं लिखूँ. ओके, तो उसी हिसाब से करो, चाहे वो टास्क वन है चाहे वो टास्क टू है. ओके, और हमेशा ही आपके पास 60 मिनट्स होते हैं टास्क कंप्लीट करने के दोनों, तो जो 20 मिनट्स आप डेडिकेट करो अपने टास्क वन को एंड बाकी 40 मिनट्स टास्क टू को. एंड मेरी टिप है कि ऑलवेज प्रेफर कि टास्क टू पहले कर दिया जाए. ओके, उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी होती है, तो 40 मिनट से ज़्यादा ना लगाओ वैसे तो. बट इन केस अगर आपको 40 से 42 या 43 मिनट्स भी लगते हैं, तो आप टास्क वन फटाफट काइंड ऑफ जब तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप टास्क वन 5 to 10 मिनट्स में ख़त्म कर सकते हो. ओके, एंड हमेशा ट्राई करो कि 2 से 3 मिनट टास्क वन को ऑब्जर्व करो स्टार्ट करने से पहले. ये नहीं कि लिखना शुरू कर दिया पहले बाद में देख रहे कि क्या चीज़ गिवन है. नो, नेवर. उसको ऑब्जर्व करो, उसका कुछ अपने दिमाग में पैटर्न बनाओ कि हाँ मेरे को किस अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा प्लान करना है कि कैसे लिखना है. ओके, एंड टास्क टू को तो 5 मिनट दो ही दो. ओके, टास्क टू के लिए अपना 5 मिनट अलग से रखो, अपना 35 मिनट की प्रैक्टिस करो लिखने की. 5 मिनट ऐसे जो भी आपको टॉपिक है उसको समझो पहले 1 मिनट में, एक बार नहीं 5 बार पढ़ो बस. बट 1 to 2 मिनट्स मैक्स. उसके बाद जो 3 मिनट बचे हैं ना उसके अंदर बनाओ पॉइंट्स अपनी कोडिंग लैंग्वेज जो भी है आपकी, जो सिर्फ आपको समझ आती है ना, ऐसी लैंग्वेज में लिखो. यहाँ पे हेडिंग है तो ऐसे 2 लाइनें लगाओ, यहाँ पे पैराग्राफ ए पैराग्राफ बी, उसके पॉइंट्स इसके पॉइंट्स. इंट्रो अपने दिमाग में बनाओ और लिखना चालू कर दो. ओके, 5 मिनट्स वो बहुत कंपलसरी हैं. अगर वो 5 मिनट्स आपने अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लिए ना, तो आपका टास्क 35 में नहीं 30 मिनट्स में ख़त्म होगा. एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है वो 5 मिनट्स बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो. ओके, एंड जब भी आप अपना टास्क वन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो हमेशा वही लाइन लिखते हो कि द रेंडर्ड इलस्ट्रेशन डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डैश 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 वट एवर द थिंग इज. तो बच्चे ना जब क्लास में प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक नहीं 10-10 याद करते हैं, समझेगा? आप भी करते हो, डोंट डू लाइक कि नहीं हम तो नहीं करते. एक नहीं, ये 10 तरीके की प्रिपेयर करते हो. भाई क्यों करनी है 10 तरीके की प्रिपेयर? वहाँ 10 ऐसे थोड़ा लिख के आने हैं, एक ही लिख के आना, तो एक ही प्रिपेयर करो. अगर आपको ज़्यादा कीड़ है ना कि हाँ एक काम नहीं आएगी, तो 2 कर लो, बस 2 होते हैं, इट्स एनफ. ओके, सो माय नेक्स्ट स्टेप इज, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में लगे हुए आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वेल एंड गुड, वो आपका टीचर आपको गाइड करेगा ही. बट अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो, वीडियोस देख के कर रहे हो, तो ट्राई कि अगर आप करवा सकते हो तो किसी टीचर से अपने एसेस चेक कराओ. एंड अगर वो भी नहीं पॉसिबल तो डिटेक्ट योर प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ. बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप अपना एसे लिखोगे
वो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल के दे देगा। सबसे बेसिक ऐप है वर्ड, वर्ड पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हो जाती है। वो आपके बेसिक एंड्रॉयड फ़ोन हो, आईफोन है, लैपटॉप है, पीसी है, कहीं भी हमेशा अवेलेबल है वर्ड, तो वहाँ पर डाल के भी कर सकते हो। ओके, और मेन थिंग अगर आपको ह्यूमन रिव्यू मिल जाए कि अब कैसे से कैसा है, तो वैसे कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो कोई। ओके, तो वो वहाँ पर नोट करने में क्या बात है कि आप अपना ऐसे दे रहे हो, अपने टीचर को उसने चेक कर दिया, आपने बोला चलो ठीक है ये दिक्कत है कोई, चलो वो आप ना दोबारा देखते भी नहीं उस ऐसे को कि मैंने क्या लिखा था, मेरा क्यों, मेरे 5 बैंड आए हैं, मेरे क्यों 7 बैंड आए हैं, आप नहीं देखते वापस उस चीज़ को। अगर बुरे आए तो जो बिल्कुल ही नहीं देखते, अगर अच्छे आए तो फिर भी क्या पता कुछ दे ही लो उसमें से। तो द थिंग इज फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन योर मिस्टेक्स। अगर किसी ने आपको बोल दिया ना, किसी टीचर ने आपको लिख के दे दिया, रिमार्क्स लिख के दे दिया कि वर्क ऑन योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वर्क ऑन योर स्पेलिंग मिस्टेक्स, वर्क ऑन योर टेंसेस, तो उसको कंसीडर करो बहुत डीपली। एंड उस टीचर से चाहे पूछो थोड़ा बहुत, बट ट्राई एंड डू योर ऑनलाइन रिसर्च, वो सबसे बेस्ट तरीका है। खुद ही अपना डिग इन करो हर एक चीज़ के अंदर, तो वो आप अच्छे से सीख सकते हो। ओके, अगर आपकी एक स्पेलिंग गलत है ना, उसको 10 बार लिखो, छोटे बच्चों वाला काम करो, 10 बार लिखो, वो आपकी बिल्कुल सही होने लग जाएगी अगली बार से। अगर फिर भी गलत होती है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कनेक्टर्स। बहुत बच्चे बहुत बेसिक से कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, लाइक फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली तक, ऐसे आगे टेंथली तक एक बच्चे ने लिखा हुआ था। तो मतलब कनेक्टर्स याद करो, वो बहुत ज़रूरी हैं। 10-15 याद कर लो, उसमें से आपको 5 याद रहने वाले हैं फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है। उसको तो रोज की तरह ना एक चार्ट पे लगा के अपना चिपका दो, वो आते जाते दरवाजे से पढ़ते जाओ कि हाँ ये कनेक्टर हैं, वो आपको फाइनल डे तक 15 के 15 याद आ जाएंगे। जैसे आप यूज़ करो टू कमेंस विद इंस्टेंट ऑफ टू फर्स्टली वाला जो यूज़ करते हो, या टू बिगिन विद की जगह भी टू कमेंस विद अच्छा लगता है वर्ड। तो ऐसे कनेक्टर्स सुनो, सोचो अच्छी तरह। तो टू कंक्लूड की जगह पे आप लिख सकते हैं, लिख सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन, टू एनकैप्सुलेट ऑल द अफॉर्मेशनड इंफॉर्मेशन, ठीक है। थोड़ा सा लंबा भी हो गया, थोड़ा सा टेक्निकली भी चलेगा हम लोग टू कंक्लूड का, ठीक है। आई विल राइट इट डाउन अगर बच्चों को नहीं समझ आया तो, ठीक है। एंड जब आप कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ना, जब आपको अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट वाला ऐसे मिलता है, ठीक है, मेनली मेरे को लग रहा है यही वाला आता है ऐसे, तो कभी भी ना इंट्रोडक्शन में ही एक साइड बच जाओ, क्योंकि आपके ना पैराग्राफ दोनों वो फिर अग्रीमेंट में लिखने पड़ेंगे आपको। इंट्रोडक्शन में लिखो डैश, जो भी आपकी इंट्रो है बेसिक सी, उसके ना साथ में एक लाइन लिख दो, दिस एसे डिवेल्स डीप इनटू द बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ये आपकी थीसिस है, समझ रहे हो। ये बच्चे थीसिस लिखते ही नहीं है, तो थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइक आई कैन रिपीट माई सेल्फ नाउ, दिस एसे डिवेल्स डीप इनटू बोथ साइड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर आप स्ट्रॉन्गली सिर्फ एक साइड पे ही लिखना चाहते हो तो दिस एसे अग्रीज विथ दिस 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 पॉइंट, और दिस एसे डिसअग्रीज विथ दिस पॉइंट। ओके, इतना सा पॉइंट होता है। ये थीसिस जो भी है, ये थीसिस लिखने बहुत ज़रूरी है, इसको कंसीडर करो। नेक्स्ट थिंग इज टेंसेस, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आई नो बहुत बच्चों का स्कूलिंग बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है, ओके, तो उनके टेंस एंड अदर थिंग्स लाइक वोकैबुलरी, ये सब चीज़ें इतनी एडवांस्ड या फिर बेसिक्स भी उनको नहीं पता होता अच्छे से। तो लर्न दोज थिंग्स यार, अगर आपको अच्छे बैंड स्कोर चाहिए तो, अगर आपको 6-6.5 तक चाहिए ना, तो आपको बेसिक्स से चल जाएगा, बट वो भी आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ओके,
एंड जब आप लिख रहे हो ना, तो एक पैराग्राफ जब आपने ख़त्म कर दिया तो उसके बाद लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ दिया करो। ये बहुत सिली सा, तो बहुत माइनर सी चीज़ है, बट थोड़ी सी ना प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल हो जाता आप कैसे। एक लाइन छोड़ कर ना नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट कर दो अपनी। जैसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ कर आपने इंट्रो का एक लाइन छोड़ दी बी पी वन और फिर लाइन छोड़ी बी पी टू, फिर लाइन छोड़ी एंड आपकी फिर कंक्लूजन। ऐसे सेम विद टास्क वन। ओके, ये छोटी सी पॉइंट है बट कंसीडर दिस एंड मेन थिंग। सब बच्चों को पता ही स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये तो अगर ना करो तो बहुत बेटर है। एंड जब आप अपना फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक प्रूफ रीडिंग ज़रूर कर लो वो की स्पेलिंग्स के लिए, तब आपको बहुत सारी स्पेलिंग्स मिल जाएंगी जो गलत हो, जो गलत करी होंगी आपने। अगर टाइम मिलता तो करो। एंड ये बात तो होगी एंड ये बात रिपीट भी आ रही है कि अपने जो टीचर है ना उनका दिमाग खा लो रोज जाके। अगर आप पैसे भर रहे हो ना 6 से 10 हज़ार पर महीना, आप ऐसे नहीं भर रहे हो जाके एक ऐसे लिखने के लिए और उसका रिव्यू भी नहीं मिले अच्छे से। फिर रोज़ एक ऐसे लिखो अपने इंस्टीट्यूट में जब भी बैठ के लिखते हो, वो चेक कराओ, उसका रिव्यू लो। ओके डन, घर से भी एक दो ऐसे करके लेके जाओ, वो चेक करवाओ, उसका भी रिव्यू लो। ओके, ये अपना चलते चलो। जब आप 1-1.5 महीने की आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना आईएलटीएस के एग्ज़ाम के लिए, तो उस टीचर का फुल यूज़ करो जो आप 6 से 10 हज़ार महीना भर रहे हो। ओके, उस टीचर का दिमाग खाते रहो कि ये क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, ठीक है ना, तभी बैंड स्कोर्स आएंगे। ऐसे नहीं उस टीचर का बर्थडे मना लिया, टीचर्स डे पे फूल दे दिया, उससे बैंड स्कोर्स नहीं आने वाले आपके। एक पॉइंट है कि कई टीचर्स ना आपको खुश करने के लिए, कई इंस्टीट्यूट में हैं जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको ना खुश करने के लिए 6 to 7 बैंड ना ईजिली देते हैं आपके ऐसे के लिए, जबकि वो 5 बैंड कैसे होते हैं। वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं कि आपको अच्छे बैंड स्कोर दे के आपको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, बट जो फाइनल एग्जामिनर है बेटा वो ऐसे चेक नहीं करेगा, इतना लीनियंट होकर चेक नहीं करेगा। आपके टीचर को ना अगर आपका 7 वाला बैंड कैसे है ना, तो आपको वहाँ पर 5.5 महीने चाहिए। चलो ये आपके टीचर के लिए था पॉइंट, बट आप सोच सकते हो कि अगर आपको 7 मिले ना कंसीडर की वो 5 है, आप खुद ही कंसीडर करो। जब आपको 9 मिले ना तो उसको 7 कंसीडर करो, 2 बैंड पीछे चलो, फाइनल एग्ज़ाम में मेरे ऐसे ऐसे आएंगे। तो डीमोटिवेट मत हो ना इससे, बट कुछ ना कुछ सीखो।